तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में प्रमील जी और सुरेंद्र जी के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन। रिपोर्ट ऑटोमेशन में हम सैलरी पेरोल पे बात कर रहे हैं और सैलरी ऑटोमेशन वाले फाइल पे वर्क कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने एक सैलरी को ऑटोमेट किया था कि ऑटोमेटिकली हमारा सैलरी जनरेट अटेंडेंस जो है जनरेट होता जाए, तो उसी में उसी से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं एक्सेल फाइल आपको स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं, साथ में अपनी एक्सेल फाइल को भी हमने बात कर रहे थे। तो यहां हम आते हैं अपने सेल ओपन पे आते हैं और हम उस फाइल को ओपन करते हैं जो हमने बनाया था आपके साथ एमपी सैलरी का। तो इसमें हमने अपना अटेंडेंस ऑटोमेट कर दिया था, राइट। ये अब यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ का अटेंडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे नवंबर हमारा है, अक्टूबर का है, तो यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे हमें काउंट देना था, ठीक है। हेलो जी सर। तो काउंट बेसिकली आप चाहो तो अलग अलग सेल पे भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको लर्निंग के पर्पज से बताया था कि यहाँ ही पे होना चाहिए। तो यहाँ 29 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ यहाँ पे 30। तो जैसे मैंने यहाँ ईओ मंथ यहाँ पे हमने ए कर दिया हुआ है, ब्लैंक कर दिया हुआ है, तो ब्लैंक। फिर अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ब्लैंक के अकॉर्डिंग है ना। फिर आपको कंडीशन को मल्टिंग भी चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन देखते हैं करके सर, यहाँ सर एक एक डाउट है, ईओ 7 में आपने V70 क्यों लिया हुआ है, 18 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो आप? कोई भी ले सकते हैं, हम महीने का कोई भी ले सकते हैं ना सर। हाँ ठीक है, तब ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। कोई सा भी डेट, ओके सर। ठीक है, तो यहां पे भी इसको कर सकते हैं हम। इसमें हम जैसे यहाँ पे यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है ना, इस ब्लैंक को हम पी और यहाँ जो ब्लैंक है इसको हम पी कर देते हैं, ठीक है, पी कर दिए। और यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे कि इफ ऊपर वाले वैल्यू, ऊपर यहाँ पे ऊपर वैल्यू इक्वल टू पी है, समझे, तो काउंट इफ का फॉर्मा लगे, काउंट इफ, और एक पूरे को पी कर दे, इसमें से पी को काउंट कर ले, समझे सर। अब जैसे मैं यहां पे 2019 डालता हूं और यहां पे अक्टूबर के जगह पे मैं डालता हूं फरवरी, आ गया सर अकाउंट जी, ऊपर पी आ गया ना, अकाउंट आ गया। इसको अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ F4 से और नीचे की तरफ सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूँ, 20 आ गया ना। ऐसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर आगे वाली कंडीशन अगर इक्वल टू पी है, यहाँ अगर पी है तो कुछ और कर दे, बात समझ रहे हैं सर। लेकिन ये सही नहीं हुआ है, मैंने भी रियलाइज किया तो आगे चल के भी दिक्कत होगी सर, तो ये तरीका सही नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि कैसे होगा मैंने आपको बता दिया जी, बट मैंने भी इस पे रियलाइज किया कि ये तरीका सही नहीं है। बाकी सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहीं से काउंट यहाँ पे अटेंडेंस की काउंटिंग लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल पी कितने हैं, टोटल एल कितना है, ठीक है, टोटल ए कितना है और टोटल पेबल,
नहीं, यहाँ पे एल एल पी और एल तो टेबल में आएगा, ठीक है ना जी, ये इसमें चला जाएगा और यहाँ पे कंपनी ऑफ मतलब ऑफ किया, तो यहाँ पे हम जस्ट काउंट इफ लगा सकते हैं। हाँ ये वाला तो हो जा रहा है, हाँ ये सही रहेगा। हालांकि वो तरीका भी बता दिया मैंने आपको कैसे होगा। हाँ हाँ क्या जी सर, जी सर वो तरीका भी समझा दिया ना कैसे होगा। यहाँ पे हम ऊपर में P सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे ड्रैग करने से पहले हम इसको यहाँ से फ्रीज कर लेते हैं और आगे की तरफ इसको ड्रैग करते हैं, तो यहाँ A कॉम्प ऑफ की जगह पे V कॉम्प कर लेते हैं, V स्लैश वाई है ना, वाई सॉरी राइट, और यहाँ पे P टेबल डेज या टेबल डेज कर दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका P प्लस होगा, L प्लस होगा और W प्लस होगा। इसमें होलीडे भी तो हमने प्लस नहीं किया, इसमें होलीडे भी तो होगा सर प्लस जी सर, यही पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते क्योंकि सबके लिए अलग अलग देना जरूरी नहीं है काउंटिंग, हालांकि देना है तो दे सकते हैं लेकिन जनरली क्या करते हैं हम यही पे एड कर देते हैं कि इसके अंदर कॉमा एच होलीडे, ठीक है जी सर। तो ये हमारा 30 डे टेबल हो गया। अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं, ये इसको फ्रीज करना होगा ना। हाँ एक मिनट, हमने एजे को फ्रीज नहीं करना था हमको, यहाँ पे ओके इसमें और भी जैसे कि वाई हाफ डे, बात समझ रहे हैं ना जी सर, हाफ डे को भी करना पड़ेगा। जैसे कि पी में मान लीजिए, तो पी में प्लस हम यहाँ पे काउंट इफ लगाते हैं, काउंट इफ में हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कर देते हैं एच डी, लेकिन जब एच डी आएगा तो डिवाइड बाय 2 होगा, समझे, डिवाइड बाय 2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक एच डी है जी, एक एच डी है तो आधे दिन होगा ना सर। जी सर, जैसे मान लीजिए ना हमें यहाँ अक्टूबर का सैलरी हम यहाँ अक्टूबर का बना रहे हैं ना, दिए अब अक्टूबर में यहाँ पे मान लीजिए कि 7 को हम मंडे 5 तारीख में, 7 को 5 तारीख में हाफ डे कर देते हैं, 7 नंबर 7 तारीख और इसको हम एच डी कर देते हैं, एच डी आ गया ना सर, यहाँ पे आ गया 22.5 सर, और यहाँ 31.5 क्यों आ गया, उसको 30.5 होना चाहिए था ना। हाँ एक मिनट ये रहा, हाँ 5.5 हमने ऊपर पी को जितने भी पी है उसको हमने काउंट किया और हमने प्लस एच डी को काउंट किया डिवाइड बाय 2 करके, तो एक मिनट मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाके इस फॉर्मूले को चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मूला गलत क्या दे रहा है। पी हो गया काउंटिंग 22 पी दे रहा है, यही पे गलती है सर, इसको 21 देना चाहिए ना। जी सर,
एक मिनट रुक जाइए, काउंट इफ, काउंट इफ में हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहां पे हमने बोला 21 आ रहा है, बट यहां पे 20 आ रहा है, 22 आ रहा है। ओके, तो एक काम करता हूं, जो एज 7 है उसको हटाता हूं और इसमें इन्वर्टर कॉमा 3 देता हूं। एक मिनट, ए एच नहीं यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे ए आई होगा। काउंट 22 क्यों दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्लस कर रहा है, गलती मेरी है सर। ये फ्रीज दिख रहा है, इतना देर से हमें देख रहे थे, हम पता नहीं चला कि फ्रीज नहीं होना चाहिए, समझे। इसमें भी फ्रीज है सर, फ्रीज नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने नहीं बताया कि हमने इसको रो को फ्रीज कर दिया नीचे ड्रैग करने के लिए। अच्छा, 8 से 9, 9 से 10 जा रहा है ना। हो गया जी, तो ये आ गया, हाफ डे होगा तो आ जाएगा। और भी कुछ करना है तो यू कैन, आप यहां पे अपना कर सकते हैं, समझे जी सर। नीचे को भी कर देता हूं। अब मेरा सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, तो आपकी जो अटेंडेंस है मैं इसको हाइड कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अटेंडेंस कंप्लीट, अटेंडेंस पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जी सर। अब बात आते हैं, ये हमारा एम्प्लॉई डिटेल्स है, राइट। ये मेरा एम्प्लॉई डिटेल्स है, तो सैलरी वाले सीट में यहां पे हमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई आईडी हम डालेंगे, ये पूरा चाहिए होगा, वाइल सिटी पूरा सिटी सी जो दिख रहा है आपको पूरा चाहिए होगा। इसमें कुछ चीजें नहीं चाहिए होगा, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो सही है, प्रवीण फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सिटी, सिटी सी, तो कुछ चीजें नहीं चाहिए होगा, मान लीजिए इसको हटा देता हूं। एड्रेस चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए मुझे, सैलरी स्लिप में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, फादर नेम की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हम वी लुकअप से उठा के ले आएंगे, किससे ले आएंगे, वी लुकअप। तो ये वी लुकअप लगा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको वी लुकअप नहीं लगा रहे, बट आप, मैं फाइल भेजूंगा तो आप इसके वी लुकअप लगा लीजिए, ताकि यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज होता है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा ना सर, तो यहाँ इंक्रीज होगा तो यहाँ भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ओके, तो अब यहां पे हम पी डेज को, पी पे डेज जो हमारा है यहां पे हम कॉपी करेंगे पे डेज को वी लुकअप से। वी लुकअप हमने एम्प्लॉय आईडी लिया और अटेंडेंस शीट में चले गए, और अटेंडेंस शीट में हम आईडी से शुरू किए और सबसे लास्ट में पे डेज हमारा है ना 40 है, कॉमा 40। आपने जो आईडी और नेम दिया हुआ है, मेरा आईडी और नेम डिफरेंट है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 1 से लेके था ना हमारा, यहाँ भी 1 से लेके कर देता हूँ।
और इम्प्लॉई में भी हमारा वन। नेम कहाँ से लगा रहा था आपने बिलू का? अटेंडेंस है? नहीं नहीं वो तो मैंने अपने पुराने वाले डेटा से लिया था जो आपने हाइड कर दिया। हाँ तो मैं यहाँ पे मैनुअल चेंज कर देता हूँ। आप उठा लीजिएगा इसको, इससे उठा लीजिएगा, मतलब कि जी जी वीलो का उठा लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा। तो सैलरी पे पे डेज हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ है, तो इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो सबकी पेमेंट डेज यहाँ पे आ गई। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये आपकी ग्रॉस पे, ठीक है ना? जी ग्रॉस पे है तो अब मुझे यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बेसिक एच आर ए अदर्स, फिर यहाँ पे ग्रॉस जी पे, देन ईएसआई, ठीक है, पीएस। अब इसमें भी हम ऊपर देते हैं, ए आता है यहाँ पे, हमें लिखना होगा मर्ज करके इम्प्लॉय का पार्ट, ठीक है, ईएमपी पार्ट, और यहाँ पे हमें सेम ई एस आई पी एफ देना होगा एम्प्लॉयर का पार्ट, ई एम पी एल एम्प्लॉयर, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे बेसिक है तो हमें बेसिक कोल निकालना, इस तरह से निकालना होगा, जैसे अब जैसे जिस महीने का सैलरी है पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे ईओ मंथ, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईओ मंथ और अटेंडेंस में कोई एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमन जीरो, इस महीने की लास्ट डे निकाल देगा, लास्ट डेट। अब इस लास्ट डेट में से डे का फॉर्मा निकालिए, ये निकल जाएगा हमारा डे, ठीक है। उसके बाद ए जो है 6000 को डिवाइड करेगा, ये निकल जाएगा पर डे बेसिक, समझ गए? सॉरी, मल्टीप्लाई होगा 31 से, तो इससे क्या होगा कि ए नीचे ए इसको फ्रीज करना होगा एयरफोर्स का, ठीक। अब नीचे ड्रैग देखिए तो सबकी बेसिक सैलरी बन गई उसके अटेंडेंस, उसके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है सर? जी सर। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, बस इसमें अब जो होगा बेसिक के जगह पे एच आर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं और ए बेसिक के जगह पे अदर्स हो जाएगा, हो गया सर? क्योंकि पे स्लिप में आपको बेसिक अदर्स दिखाने होंगे, इसलिए अब ग्रॉस पे इनका सम होगा, इसको प्लस किए, इसको प्लस किए, ये आपका सम हो गया, ठीक है। अब इंप्लॉय का ईएसआई जो होता है इसका 1.75 होता है, और पीएफ जो होता है इसकी जो बेसिक है, इसका जो बेसिक पेबल बेसिक है उसका 12%, अच्छा पेबल बेसिक है 12%। और इंप्लॉयर का जो ईएसआई फंड होता है वो होता है ग्रॉस पे का वन, ये क्या बोलते हैं, 4.25%। अब मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया, और पीएफ ऑल्सो पेबल का 12%, हो गया सर। अब यहाँ पे अगला आता है नेट पे, नेट पे, तो नेट पे में हम क्या करेंगे, ग्रॉस जो है उसमें से माइनस करेंगे सम, कौन सा, ईएसआई एंड पीएस एम्प्लॉई का,
समझे जी। तो पेमेंट क्या करना, ए नेट पे क्या करना पड़ गया, ए पढ़ना पड़ गया, राइट जी सर, नेट पे हो गया। और यहां पे सीटीसी, सीटीसी क्या हुआ इस महीने का, तो ये हमारा ग्रॉस पे प्लस ईएसआई प्लस पीएफ, तो इसमें ईएसआई पीएफ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये डिडक्शन में है, बात समझे, इंप्लॉय डिडक्शन में, इंप्लॉय का डिडक्शन होगा। अच्छा इंप्लॉयर का, इंप्लॉय का डिडक्शन है, मतलब कि 10,000 इंप्लॉयर का ऐड होगा। ओके, तो 9,596 रुपया इसका सीटीसी हुआ, नेट पे हुआ, उसकी सीटीसी जो हुआ 11,161। कंपनी का टोटल खर्चा कितना पड़ा, कंपनी टू कॉस्ट। अच्छा सर, बात समझे जी, तो कंपनी का खर्चा पड़ा हुआ है। अब इसमें अब से हो सकता है, अब जैसे कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, बोलेंगे सर ये सैलरी कैलकुलेशन में तो सर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैंने आपको बताया हाउ कैन ऑटो पे, मैं आपको सैलरी कैलकुलेशन ना बोलता कि ऐसे ही सैलरी कैलकुलेट होती है, बट ये जो हुआ अब से हो सकता है कि एचआर का हमने 50% कर दिया, लेकिन कुछ और रूल होगा, अदर्स का कुछ और रूल होगा, बट यहाँ पे आप अपना रूल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना जो है जो भी सैलरी का डेमोनेशन है वहां डालेंगे, इसके यहाँ पे ये आपका बेसिक एचआर अदर वर्स पे ईएसआई पीएफ के आपका निकाल के दे देंगे। और ये जो है कनेक्टेड किससे है, हमारे अटेंडेंस सीट से। अगर मान लीजिए अटेंडेंस सीट में हमने यहाँ नवंबर को सिलेक्ट किया, तो पूरा अटेंडेंस नवंबर के अकॉर्डिंग जनरेट हो गया, हो गया ना सर, नवंबर अकॉर्डिंग पेमेंट आ गया, नवंबर के अकॉर्डिंग पे आ गया, और आपका सैलरी भी नवंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया, बात समझे जी, ये नवंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया, ध्यान देखिए सारा सैलरी नवंबर का कैलकुलेट होगा। अब मान लीजिए किसी का, मान लीजिए फाइव नंबर का मैं अटेंडेंस जो है यहाँ पे फाइव नंबर का अटेंडेंस नवंबर में, मान लीजिए कि 4 नवंबर और 12 नवंबर को मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है, मैं नीचे देखिए इसको ड्रैग करके रखता हूँ यहाँ पे लीव, और यहाँ पे 11 नवंबर था ना, 5 तारीख को ही 12 नवंबर इसको भी लीव कर लेता, तो आप देखेंगे आपके सैलरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ली एल को पेबल दे दिया, पीएल होगा। अब यहां भी आपको एक चीज और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि अब लीव तो लिमिटेड होते हैं ना सर जी, हेलो जी सर, जी लीव तो लिमिटेड होता है ना, ऑन लीव जो होता है, तो आपका जो एम्प्लॉय सीट है यहाँ पे आपको ऑन लीव जो है देना पड़ेगा, ऑन लीव, ठीक है, तो ऑन लीव जैसे कि मान लीजिए कि आपको महीने का 1.5 लीव मिलता है या 2 लीव मिलता है, 21 लीव टोटल साल का होता है ना जी, तो 1.5 मान लीजिए 21 आपका माने कि साल का 21 होता है, तो 21/12 आप कर देते हैं तो ये आपका 1.75 पर मंथ लीव होता है जी, तो इसका ऑन लीव कितना होगा, और ऑन लीव के भी ऑन लीव माने यहां पे हम कर देंगे जैसे कि हम यहां पे देते हैं कि डेटेड इफ का फॉर्मूला, डेटेड इफ और नहीं डेटेड मिस्टेक हो गया, डेटेड डेट डी आई एफ होता है yeah. इसमें हमारा हो जाता है 1/1/2020 और यहाँ पे टुडे हो जाता है, और हम इसमें मंथ निकालते हैं, तो ये मंथली का एक मिनट एक इतना एम निकालना है ना, मैं 1400 क्यों आ गया, इसमें इसको इन्वर्टर फॉर्म में देने
अब 11 आ गया ना, 11 मल्टीप्लाई बाय 1.75 और इसको राउंड डाउन कर देते हैं। लीव हमेशा राउंड डाउन होता है, मंगल। तो इसने 19, सबने 19 लीव अर्न किया। इसमें भी रूल होते हैं, इसमें भी इसके रूल होते हैं कि इसमें रूल ये होते हैं कि उसकी अटेंडेंस इतना परसेंट कंप्लीट हो तो लीव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये सारे रूल्स लगाने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं सर? जी सर। अब यहाँ पे मुझे भी ये भी चेक करना है, यहाँ पे चेक करना होगा कि एल पे, एल तभी मैं दूंगा जब इसका इसका टोटल लीव और बैलेंस लीव, ऑन लीव और अभी तक जो लीव ले लिया है उसमें जो बैलेंस बचता है। बात समझे? जैसे कि ये क्या करेगा, हम यहाँ वी लुकअप लगा के, वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप लगा के हमारे एम्प्लॉय सीट से और लीव को निकालेंगे और अटेंडेंस सीट से हम देखेंगे कि इसने अभी तक कितना लीव ले लिया हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे, जो बचेगा तभी यहाँ पे लीव होगा। अगर माइनस में चला गया तो लीव नहीं डिक्लेयर होगा, उतना कट जाएगा। बात समझे? जी सर। ये सारा चीज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये जो बाकी चीजें हैं आप एक बार ट्राई कीजिए और सैलरी स्लिप वगैरह भी बना के देख बताइए, एटलीस्ट का फॉर्मेट तो बनाइए ताकि हम उसको ऑटोमेट कर सकें। ई कुमार आर सुरेंद्र, मैं आपको भेज दिया सर। मिलते हैं सर कल सम टाइम। जी सर, थैंक यू।